दोस्तों, वैसे तो विज्ञान ने अब तक जो भी प्रगति की है वो अभूतपूर्व है, जिसे देखते हुए आज दुनिया में हर एक चीज संभव सी लगने लगी है, फिर चाहे वो हवा से पानी बनाना हो या फिर मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विज्ञान आज उस मुकाम पर भी पहुंच चुका है जहां से किसी एक व्यक्ति की खोपड़ी को शरीर से अलग कर उसे दूसरे शरीर में जोड़ा जा सकता है, और तो और उसे जीवित भी किया जा सकता है। जी हां, सुनने में जितना आश्चर्यचकित करने वाला है, इससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट जो आज दुनिया भर में किए जा रहे हैं, उनके पीछे का सच जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि चूहे से लेकर बिल्ली और बिल्ली से बंदर तक ऐसे दर्जनों एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जो सफल भी रहे। एक चूहा जिसे दूसरे चूहे के शरीर में पुनर्जीवित किया गया, ठीक इसी तरह बंदर और बिल्ली को भी जीवित करने का सफल प्रयास किया गया, और इसे देखते हुए अब बारी आई है इंसानों की, जहां 32 साल के वैलरी स्प्रिडोनोव वो रशियन व्यक्ति हैं जिनकी खोपड़ी को उनके धड़ से अलग किया जाना है। और अगर ऐसा होता है तो वैलरी दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका हेड ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वैलरी को मसल वेस्टिंग डिसीज नाम की एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसके चलते इनका समूचा शरीर अपंग हो चुका है। वैलरी के शरीर में केवल उनकी खोपड़ी ही वो भाग है जो काम करती है, और इसी के चलते वैलरी की खोपड़ी को एक ऐसे शरीर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो पहले से ही ब्रेन डेड है और वापस कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन इसे अंजाम दे पाना बेहद मुश्किल है, जिसमें वैलरी की जान भी जा सकती है, और इस खतरे से वैलरी भी अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए वैलरी फिर भी तैयार हो गई, क्योंकि जो डॉक्टर इस हेड ट्रांसप्लांट को अंजाम देना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। हालांकि साल 2015 में जैसे ही ये खबर बाहर आई तो इसकी चर्चा कम और उस पर विवाद ज्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि हेड ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही हर कोई बस यही जानने में लग गया कि आखिर इस जानलेवा ट्रांसप्लांट की अनुमति कब, किसने, कैसे और क्यों दी। क्योंकि मेडिकल साइंस के समूचे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी खोपड़ी को शरीर से अलग कर उसे दूसरे शरीर में जोड़ा गया हो। तो जिस तरह इस समय आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब ये ऑपरेशन होगा तो फिर इसे अंजाम देने वाला कोई डॉक्टर भी तो होगा जिस पर वैलरी को इतना भरोसा है, ठीक इसी तरह साल 2015 में समूची दुनिया भी यही जानना चाहती थी, क्योंकि हार्ट और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हेड ट्रांसप्लांट ये सभी के लिए एक नया विषय था। हालांकि मेडिकल साइंस हो या फिर दुनिया का कोई भी अन्य आविष्कार, इतिहास गवाह है कि हर सफर की शुरुआत नामुमकिन ही लगती थी, चांद पर कदम रखना हो या फिर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो। लेकिन आज ये सभी चीजें हमारे सामने हैं और मुमकिन भी हैं। ठीक इसी तरह इस दावे पर भी दुनिया को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इटली के मशहूर न्यूरो सर्जन सर्जियो कैनावेरो का दावा है कि मेडिकल साइंस आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से ये कर पाना मुमकिन है, और अपने इस दावे को मजबूती देने के लिए उन्होंने समूचा इतिहास दुनिया के सामने रखा और बताया कि कब कब और कैसे कैसे हेड ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया जो कि सफल भी रहे थे। कैनावेरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इतिहास में कई ऐसे परीक्षण किए गए हैं जब चूहे, बिल्ली, बंदरों के सर को उनके धड़ से अलग किया गया है और उन्हें दूसरे शरीर में भी जोड़ा गया, और ऐसा पहली बार साल 1908 में किया गया जब कैरल और गथरी नाम के दो डॉक्टर्स ने दो कुत्तों को एक ही शरीर में जोड़ दिया था। हालांकि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल साबित हुआ था, लेकिन कैरल का दावा था कि दोनों ही कुत्ते करीब 15 मिनट तक जीवित रहे, वो भी एक ही शरीर पर। इसके बाद साल 1954 में इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया जब सोवियत साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिखोव ने दो कुत्तों का हेड ट्रांसप्लांट किया जो 29 दिनों तक जिंदा रहा, और फिर इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट साल 1970 में भी अमेरिका में भी किया गया जब रॉबर्ट जे व्हाइट नाम के एक सर्जन ने बंदर का हेड ट्रांसप्लांट किया जो कामयाब भी रहा, और ऑपरेशन के बाद वो 8 दिनों तक जिंदा भी रहा जिस दौरान बंदर को सब कुछ सुनाई और दिखाई भी दे रहा था। कैनावेरो ने ये भी बताया कि वो बंदर और भी कई दिनों तक जिंदा रहता अगर उसकी खोपड़ी को दूसरे शरीर की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी से भी जोड़ दिया गया होता, लेकिन उस समय मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं थी जिसके अभाव में उस बंदर की मौत हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की मानवीय भावनाएं आहत हो गई और दबाव में आकर इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और फिर बारी आई डॉक्टर कैनावेरो की, जिन्होंने साल 2015 में इस घोषणा के साथ तहलका मचा दिया कि वो बहुत ही जल्द हेड ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक अंजाम देने जा रहे हैं और ये काम वो चाइना में करने वाले हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने पहले अमेरिकी सरकार से भी परमिशन मांगी थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन के चलते सिरे से नकार दिया। वहीं दूसरी ओर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर चाइना इसके लिए फौरन तैयार हो गया, जिसमें उन्हें मशहूर चीनी सर्जन रेन शाओपिंग का साथ भी मिल गया जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट थे, और इस तरह इस टीम ने ऑपरेशन की तारीख से लेकर जगह तक सभी चीजों का ऐलान कर दिया, क्योंकि जिन दो शरीरों पर इस ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया जाना था इस बीच वो भी मिल चुके थे, एक ब्रेन डेड शरीर जो केवल नाम का ही जिंदा था और दूसरा प्राप्तकर्ता का शरीर वैलरी स्प्रिडोनोव जिनका केवल सर ही सक्रिय था।
हालांकि इस ऑपरेशन के लिए केवल इतना ही काफी नहीं था। कैनावेरो के अनुसार इसमें करीब 100 मिलियन डॉलर के साथ साथ एक बहुत बड़ी टीम की भी जरूरत होगी, जो करीब 36 से ज्यादा छोटे छोटे ऑपरेशन करेगी, तब जाकर ये ट्रांसप्लांट कंप्लीट होगा। इस दौरान दोनों ही शरीर की खोपड़ियों को बड़ी सावधानी से काटा जाएगा, जिन्हें किसी आम चाकू से नहीं बल्कि हीरे से बने चाकू से काटना होगा, जो रीढ़ की हड्डी और उसमें मौजूद कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाती है। कमाल की बात तो ये है कि ये सब कुछ वैलरी भी अच्छे से जानते थे और इसके बावजूद भी वो इस ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। शायद इसलिए क्योंकि जो जिंदगी वो जी रहे थे वो केवल लाचारी से भरी हुई थी और हर दिन के साथ उन्हें मौत के मुंह में भी धकेल रही थी। हालांकि इस ऑपरेशन में जान जाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है जितना कैनावेरो को इसकी सफलता पर विश्वास है, क्योंकि ऐसे हालातों में प्राप्तकर्ता का दिमाग अन्य शरीर को पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ खून का सर्कुलेशन भी पूरी तरह से पहले जैसा होगा या नहीं, ये उससे भी बड़ी एक चुनौती होती है। हालांकि कैनावेरो इन सबको लेकर आज भी केवल हवा में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने खाका भी तैयार किया है, जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, जिसकी मदद से दिमाग के रिजेक्शन को रोका जा सकता है, जबकि पॉलीएथिलीन के दम पर रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखा जा सकता है, जो उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देता। कैनावेरो का ये भी कहना है कि हेड ट्रांसप्लांट के दौरान रीढ़ की हड्डी अपना काम करती रहेगी और सर उस धड़ से जुड़ भी जाएगा, और ये मुमकिन होगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले दोनों ही शरीर के तापमान को कम किया जाएगा, जिसकी मदद से ट्रांसप्लांट के दौरान शरीर में मौजूद टिश्यू को मरने से रोका जाएगा। वहीं गर्दन को काटने के बाद इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ब्लड वेन्स को एक खास तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे ट्रिब्यून कहा जाता है, उनसे जोड़ दिया जाए। इसके बाद रीढ़ की हड्डी को डायमंड की बनी नाइप से बड़ी सावधानी के साथ काटा जाएगा, और जैसे ही खोपड़ी शरीर से अलग होगी तो उसके बाद बारी आएगी खोपड़ी को डोनर के शरीर पर लगाने की, जिसे पॉलीएथिलीन ग्लू की मदद से जोड़ा जाएगा, जिसकी मदद से हड्डी के दोनों छोर आपस में चिपक जाएंगे। और इसी दौरान छोटे छोटे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद मरीज की गर्दन पर टांके लगा दिए जाएंगे। फिर उसे करीब 1 महीने तक कोमा में रखा जाएगा, और वो इसलिए ताकि इस दौरान शरीर बिल्कुल भी ना हिले, जिसकी मदद से स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद सभी कोशिकाएं अपनी जैसी कोशिकाओं के साथ फिर एक बार संबंध बना लेगी, और जैसे ही महीने भर बाद मरीज होश में आएगा तो वो अपनी गर्दन को हिला सकेगा, और करीब 1 साल बाद वही मरीज अपने पैरों पर भी चल सकेगा, जो इस बात का संकेत होगा कि ट्रांसप्लांट सफल रहा। हालांकि अपने इस खाके पर कैनावेरो को तो पूरा भरोसा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कई ऐसे सर्जन भी हैं जिन्हें ये सब कुछ काल्पनिक लगता है और इसकी सफलता उन्हें कुछ प्रतिशत भी नहीं लगती, जबकि वैलरी को इस पर पूरा भरोसा था और ये यकीन भी था कि वो दुनिया के ऐसे पहले मरीज बनेंगे जिनका हेड ट्रांसप्लांट होगा और वो भी सफलतापूर्वक। लेकिन पैसों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ये सर्जरी कई वर्षों तक टलती रही, और इसी बीच साल 2018 में वैलरी भी सिंगल से डबल हो गई, जिसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों ने वैलरी को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि हेड ट्रांसप्लांट की बजाय वैलरी ने गृहस्थ जीवन को चुन लिया और दुनिया की पहली ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू होने से पहले ही रुक गई। हालांकि इसका एक फायदा भी हुआ, और वो ये कि भारी विरोध के बाद भी मेडिकल साइंस आज कैनावेरो की रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है, जो इस समय इस मुकाम पर भी पहुंच चुकी है जहां से आने वाले मात्र कुछ ही वर्षों में कैनावेरो का ये खाका उन सभी लोगों को एक नई जिंदगी देगा जिन्हें तंत्रिका तंत्र संबंधित लाइलाज बीमारियां होती हैं। और तो और, अगर सब कुछ सही रहा तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये खाका कैंसर जैसी बीमारियों में भी कारगर साबित होगा। हालांकि एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के ट्रांसप्लांट चाइना में चोरी छुपे अभी भी हो रहे हैं, ताकि चाइना देश इस तकनीक को सबसे पहले विकसित कर सके और फिर मोटा पैसा भी कमा सके। लेकिन इसके बारे में चाइना देश सीधे तौर पर खंडन इसलिए नहीं करता ताकि ऐसे अमानवीय कार्यों के चलते उसकी आलोचना न हो सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका खामियाजा उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं। क्या चाइना द्वारा छुपकर किया जाने वाला ये शोध सही है, और क्या लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह की जानलेवा सर्जरीज को मंजूरी दी जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से भी एक राय निकलकर सामने आए और मेडिकल साइंस भी इस दुविधा से बाहर निकल सके कि मानव को बचाने के लिए कई बार अमानवीय कार्य भी किए जाने चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।